हेलो हेलो एवरीवन, हाय, आम आई ऑडिबल प्रॉपरली? हाय एवरीवन, हाय ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। हाय एवरीवन, अगर मेरी आवाज आप लोग को सही से आ रही है तो थोड़ा सा थम्स अप मुझे दिखा दीजिए ताकि मैं शुरू कर सकूं। करण शर्मा, हाय। हेलो हेलो, हाय। हाउ मेनी पीपल जॉइन सैंडवी? 95 97। ओह, दैट्स रियली ग्रेट। हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? और आप रिपब्लिक डे में आप लोग क्या किए 26 जनवरी को? 100+ हो गए सानवी? 100 हुआ? 100 हुआ नहीं है। फेस पे दिखाओ। फेस नहीं दिखा रही हूँ। हाय एवरीवन, मैं हूँ मिसेस सविता मोहाली। बेसिकली मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ, लेकिन आई लिव इन धनबाद झारखंड। मैं झारखंड, मेरे शादी के बाद मैं झारखंड में ही रहती हूँ, धनबाद में। मेरे हस्बैंड यहाँ साइंटिस्ट है CMRI में, और मेरी एक बेटी है जो कि आज फोन होल्ड की है, और शी सो एक्साइटेड टुडे। यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ द रेसिपी टुडे इज टार्ट। ओके, तो ये जो टार्ट मैं आज बनाने जा रही हूँ, ये एक्चुअली डिफरेंट तरीका का मैं बनाती हूँ। लेकिन मेरी बेटी है रिधि, ठीक से फोन पकड़ो। मेरी बेटी आज बोली, मम्मी तुम आज बेसिक टार्ट सिखाओ जो कि मैदा से बनता है, प्लीज डोंट गो फॉर मल्टीग्रेन टार्ट और यानी सत्तू का, और मैं सूजी का सब चीज का टार्ट बनाती हूँ जो आउट ऑफ क्रस्ट पार्ट है आज। लेकिन मैं जो लेके आई हूँ वो टार्ट जो बेसिक जो मैदा में बनता है, ज्यादा कुछ चिटपिट में नहीं लाई हूँ। बेसिक टार्ट रेसिपी को लेकर मैं आई हूँ, और ये चॉकलेट फिलिंग में दूंगी, और इसके साथ में थोड़ा सा सरप्राइज है, यू नो व्हाट, मैं थोड़ा सा मखाना, क्रीमी मखाना भी देती हूँ। तो आप इसके अंदर में कोई भी कुछ भी फिलिंग्स आप दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेकिन मैं रेसिपी शुरू करने से पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अमूल को, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो हम लोग जो होम शेफ को ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। आजकल हम लोग तो बहुत फेमस भी हो गए। मुझे बोले, अरे आप अमूल में आते हैं? सब लोग ऐसे बोलते हैं। सानवी, डोंट टच एनीवेयर। तो चलिए दोस्तों, सीधी कर शुरू करते हैं। और ईशान सर, मनु सर, अभिषेक सर, आपको तहे दिल से शुक्रिया, और जितने भी व्यूअर्स है सबका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों मेरा ये छोटा सा किचन में, एंड माय हस्बैंड इज इन गवर्नमेंट जॉब, मेरा छोटा सा किचन में आप लोगों का स्वागत है। और एक चीज, छोटा सा चीज मैं बोलना चाहती हूँ फ्रेंड, मैं एक्चुअली यूट्यूबर हूँ, मेरा यूट्यूब का अकाउंट है चीनी कम। बातें करते करते हम लोग बात करेंगे, और मेरा यूट्यूब अकाउंट और फेसबुक का भी अकाउंट है सविता स्टीनिकम। माय नेम इज सविता, SAVITAS सविता स्टीनिकम। लेकिन मैं आज कुछ स्टीनिकम का रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ, आज मस्ती करेंगे। मैं हेल्दी तो नहीं बोलूंगी, लेकिन उसको चाहेंगे तो आप हेल्दी वे में आप बना सकते हैं, मैं धीरे धीरे बता दूंगी। चलिए दोस्तों, नाइस रेसिपी। थैंक यू लडी मैम। हेलो सुष्मिता जी, हेलो सीमा जी, हेलो रिंकू जी, हेलो एवरीवन, सबका मैं नाम है अमीशा ठाकुर, हेलो एवरीवन। सुमन जी, ये देखिए अमूल का आज मैं जो बनाने जा रही हूँ, एक्चुअली फ्रेंड्स इसमें मेरा यूज हुआ है अमूल का बटर, ये आप देख सकते हैं, अमूल का क्रीम भी मैं यूज की हूँ, ठीक है। और ये दोनों को लेकर मैं आज कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड, ये जो बेसिक जो टार्ट है, ये बेसिक टार्ट बनाने के लिए वी नीड, ये देखिए मैं अमाउंट बता दे रही हूँ, यू कैन सी इट प्रॉपरली, इज इट विजिबल प्रॉपरली फ्रेंड्स? देखिए ये मैदा है, मैदा मेरा जो मेजरमेंट है ये 1 कप ली हूँ, जो 1 कप का जो मेजरमेंट है मेरा 200 ग्राम है, ठीक है। और इसके लिए 200 ग्राम में मैं क्या की हूँ, लगभग
सिक्स से सेवन स्पून आपको चीनी चाहिए ग्राइंडिंग। मैं इसको ज्यादा ही ली हूँ दिखाने के लिए, क्योंकि छह सात चम्मच दिखता नहीं है, लेकिन मैं डालूंगी सिक्स से सेवन स्पून। आर यू गेटिंग माई पॉइंट फ्रेंड्स? मैं और एक चीज बताती हूँ फ्रेंड्स, आप अगर मैदा नहीं लेना चाहते हैं तो सूजी से बनाइए, मैदा सूजी से बनाइए, मल्टीग्रेन में बनाइए, सत्तू से बनाइए, लेकिन आपका जो ये मात्रा है धीरे आपका उसी के हिसाब से कम बढ़ता है। अगर आप चीनी नहीं देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ब्राउन शुगर से भी बना सकते हैं, आइसिंग शुगर में तो और अच्छा बनता है। लेकिन मेरा जो सिटी है ना फ्रेंड्स धनबाद, ये थोड़ा सा छोटा सिटी, आज मुझे ब्राउन शुगर थोड़ा कम मिला और मुझे आइसिंग शुगर मिला नहीं, इसीलिए मैं आज नॉर्मल जो शुगर है ना उसको मैं ग्राइंड कर दी हूँ। ठीक है, ये हो गया मेन चीज। और थोड़ा सा चिल्ड मिल्क चाहिए, यहाँ ऑलरेडी ठंड है तो, और थोड़ा सा सॉल्ट चाहिए और बटर चाहिए आपको 4 to 5 स्पून, एक कप, मतलब एक कप आपका अगर 200 ग्राम मैदा लेते हैं तो 4 to 5 स्पून आपका बटर। आप अगर ज्यादा बटर डालेंगे तो आपका हल्का दूध आप कम कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, दे दिया है, हाँ यूट्यूब लिंक दे रहे ना, थैंक यू पूजा जी, हाय पूजा जी, हेलो एवरीवन। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले ये डो का मैं पहले ये जो डो बनाऊंगी, ये डो का चीज मैं आपको बता दी हूँ। ओके, तो उसके बाद जो अंदर में जो फिलिंग्स देंगे उसका जो इंग्रेडिएंट्स में जब मैं बताऊंगी तब मैं आपको उसी टाइम में बताऊंगी। ये देखिए डो के लिए, ऐसे ही रखो फोन थोड़ा दूर, डो के लिए ये बड़ा सा बाउल लीजिएगा। वर्किंग फॉर टेस्टी, थैंक यू। ये देखिए, ज्यादा ये मत करो, हाँ थोड़ा सा दूर, हाँ तुम यहाँ जाओ। ये देखिए मैदा मैं लगभग एक कप ली हूँ, दैट इज 200 ग्राम। ओके, मैं एक एक लूंगी यार, अच्छे से बताऊंगी। फिर मैं देखिए, मैं चीनी आप लोगों के सामने मैं ज्यादा नहीं डालूंगी, आप चाहे तो थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं। अगर मैं चॉकलेट फिलिंग उसमें दूंगी तो उसमें मैं थोड़ा सा कम दूंगी। देखिए 1 स्पून, देन 2 स्पून, 3 स्पून, 4 स्पून, ओके नॉट मच। देन मैं आप यहां थोड़ा सा नमक दूंगी, ठीक है। अब मैं अमूल बटर, जो आप लोगों के लिए, यहाँ बच्चे लोग कोई है, देखिए अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, अमूल पास्टराइज बटर। ये देखिए, ये बटर का मैं लगभग 3 to 4 स्पून लूंगी, आप चाहे तो इसको ज्यादा लेंगे लेकिन मुझे थोड़ा सा कम पसंद है। और मैं बार बार बोल रही हूँ फ्रेंड्स, देखिए मैं बटर ही, और ये जो बटर है ना रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। ये देखिए, नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू फ्रेंड्स, लगभग ये इतना ही लूंगी। ओके, देन इसका जो डो है फ्रेंड्स, अभी ये डो बनाना है, डो को आपको फ्रीज में रखना है थोड़ा सा, आधा घंटा 20-25 मिनट रखना है, इसीलिए पहले से मैं एक डो बना के रखी हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। ये देखिए, इसको मिलाने में पूरा टाइम लगता है, और ये अच्छे से मिल जाएगा ना, देखिएगा इसमें हल्का दूध, अगर आपको ये लगे कि नहीं ये ज़्यादा झुरझुरा हो रहा है तो इसमें हल्का सा दूध मिलाइए। लेकिन मैं इसका डो, देखिए ये बहुत टाइम लगता है थोड़ा सा फ्रेंड इसको मिलाने के लिए, एंड वी हैव टाइम लिमिटेशन फ्रेंड, एंड वी यूज्ड टू गेट ओनली 30 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स, और इसमें ही सब कुछ दिखाना पड़ता है। मैं ये देखिए, ये जो है ना, ये आपका ज्यादा, आई लाइक, हेलो बबीता जी, हाउ आर यू बबीता जी। तो इसमें क्या कीजिएगा, जो मिल्क है ना वो चिल्ड होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा मिल्क मिला लीजिए, और मिल्क मिला के एक डो बनाइए। मैं पहले से एक डो बना के रखी हूँ फ्रेंड्स। कोई पूछ रहा है क्वेरी, हाँ बटर में भी नमक है? हाँ, मैं यहाँ सॉल्टेड बटर ली हूँ लेकिन ज्यादा नहीं था, मैं इसीलिए एक पिंच सॉल्ट ली हूँ, ठीक है। आप अगर अनसॉल्टेड बटर लेते हैं, तो आप थोड़ा सा 2 पिंच डालिए, ठीक है। ये देखिए मेरा डो, ये फ्रिज में रखा हुआ था, ये देखिए, ठीक है, और ये थोड़ा सा टाइट होगा,
और ये डो ये देखिए रेसिपी स्टार्च बेसिक टार्ट जो है वही बन रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। और अभी आपको इस तरह जो टार्ट का ना ये आता है देखिए मोल्ड आता है, इफ यू डोंट हैव देन आप लोग छोटा छोटा जो कटोरी आता है ना इस टाइप का, देखिए मैं गार्निशिंग के लिए रखी हूँ, ये छोटा छोटा कटोरी में भी आप बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है टार्ट का। मनुष्य हाय मनुष्य जी हाउ आर यू, ये टार्ट में हम लोग कैसे उसको बनाएंगे थोड़ा सा हम अभी दिखा देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लुकिंग टेस्टी, थैंक यू। ये देखिए ये मेरा थोड़ा सा ये बना रही हूँ, और ज्यादा इसको ये नहीं बनाना है, पतला नहीं और ज्यादा मोटा भी नहीं, ये देख सकते हैं आप। देखिए फ्रेंड्स एनी क्वेरी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग मेरे साथ अभी देख रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। हाय मिनल जी, हाय सोनी जी, हाउ आर यू ऑल, हाय पूजा। देखिए ये कैसे रखना है, आप इसको थोड़ा सा फूल जैसा ऐसे रख दीजिए। देखिए अब इसको क्या करेंगे, ये सब बच्चे लोगों के लिए आज, ये देखिए और जो एक्स्ट्रा पार्ट है जस्ट टेक आउट दिस। देखिए नाइस, हेलो थैंक यू वेरी मच। ये देखिए इसको आप जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ऐसे हटा दीजिए। देखिए एनी क्वेरी फ्रेंड्स, ये मैदा का मैं बनाई हूँ, आप मल्टीग्रेन का बनाइए, सत्तू का बनाइए, फिर आप इसका भी बनाइए, सूजी का बनाइए, मिक्स करके बनाइए टार्ट, ये बेसिक है। अगर ये बेसिक आपको आ जाएगा तो कोई जो भी टार्ट है आप बना देंगे। देखिए कितना, और ये एयर बबल्स रह जाते हैं, ये इसको आप क्या करेंगे, जैसे थोड़ा सा आपको आप लीजिए। सुधा दास हेलो, हाय सुधा जी, हाउ आर यू सुधा, सुधा हेलो। पूजा जी मैं सबको एक बार, रुमेश जी हेलो थैंक यू, सोनी जी हेलो, मिन्नती जी हेलो, अवनी ठक्कर हेलो, हेलो एवरीवन, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो टार्च है ये ना जैसे नहीं होना चाहिए, आपका फूलना नहीं चाहिए जैसे केक ये होता है, तो इसमें थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा फोर्क से ऐसे ऐसे छेद कर दीजिए, ओके। देखिए सन भी होल्ड दिस, ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा आप इसे ऐसे छेद कर लीजिए, ये बेसिक टार्ट है। देखिए हल्का, ग्रेट जॉब, थैंक यू लेडी मैम, आप आए मुझे बहुत अच्छा लगा, लेडी मैम बहुत अच्छी है मेरी पेज में, बहुत अच्छा। मैं भी अब इवेंट करती रहती हूँ फ्रेंड्स, और अभी जो मेरा इवेंट आ रहा है वैलेंटाइन डे के लिए, और इसका कल मैं आऊंगी खुद लाइव, आप लोग को बताऊंगी ये बेसिक ये क्या मैं करने जा रही हूँ। सबको ही मुझे बोला आप अपने पेज में वैलेंटाइन डे कर लेने जा रही, ये क्या चीज है, हम बोले नहीं बताएंगे, हम तो कल परसों बता देंगे आप लोग को अभी क्या करने में बेसिकली जा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए ये हल्का ऐसे कर दीजिए, फिर इसको आप क्या करेंगे, प्री हीट आपको 180 में करना है, फिर इट विल टेक 15 टू 20 मिनट्स। और मैं थैंक यू वेरी मच जावेद जी, थैंक यू वेरी मच गीता जी, अरे वाह आज तो बहुत सारे लोग हैं, मुझे इतना खुशी लग रहा है। और देखिए फ्रेंड्स मेरा यहाँ थोड़ा पावर का प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, मैं क्या की हूँ तो थोड़ा सा पहले से मैं बना के रखी हूँ, मैं अभी अपने ओवन से ही निकालूंगी। देखिए दो तीन ऐसे पहले बना के रखी हूँ, ये देखिए, ठीक है सानवी अभी निकालेंगे, देखते हैं कैसे बना है जी। मेरी बेटी इसको खाती रहती है, इतना क्या बोलेंगे, देखिए आप लोग के सामने क्या बन रहा है टार्च, देखिए ठीक से टेढ़ा नहीं सीधा, देखिए लड्डी थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच लड्डी जी, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, आपके पूरा परिवार अच्छे है। ये देखिए कितना अच्छे से निकल रहा है टार्च, ओके इसको तो हम रख दिए, अभी इसको क्या करेंगे, ये थोड़ा ठंडा जैसे हो जाएगा, क्रंची, यस इट्स क्रंची। अब आइए गैस के पास, अभी क्या है ना मैं आपको दो फीलिंग्स इसमें दिखाऊंगी, ओके तो अभी पहले गैस ऑन करते हैं, इधर ऐसे नहीं ऐसे ऐसे, हाँ देखो गैस ऑन, थैंक यू।
थैंक यू बबीता जी। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा क्रीम लेंगे। ओके, व्हाट आर यू मेकिंग? दैट माय फ्रेंड, थैंक यू फॉर आस्किंग मी। फ्राई, रुक, कोई पूछ रहा है फ्राई कर सकता है? यस, आप गैस पे भी कर सकते हैं फ्राई। हाँ, आप चाहे तो देखिए, डीप फ्राई करेंगे तो बहुत ज्यादा आपका ऑयल लग जाएगा। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। जिसके पास गैस नहीं है, सॉरी ओवन नहीं है, तो आप ना कढ़ाई में भी बना सकते हैं जैसे नॉर्मल आप लोग बनाते हैं। फिर आपका ये, जैसे मैं क्या की हूँ, अभी एक कप ली हूँ क्रीम, अमूल क्रीम, द बेस्ट वन। ये देखिए, मैं अमूल क्रीम ही आप लोगों के सामने डाली हूँ। ठीक है, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। थैंक यू, वाओ, आज तो मेरा यू मेड माय डे, थैंक यू। और ये देखिए, जो अमूल का डार्क चॉकलेट आता है उसको मैं क्रश करके रखी हूँ। ओके, तो मैं इसको अभी डाल दे एक कप। ये कोई स्टिकर भेजा। वाओ, थैंक यू, यम्मी यम्मी यम्मी, थैंक यू वेरी मच। ये देखिए, चॉकलेट इसमें डाल दे रही हूँ, आपको चलाते जाना है ज्यादा। कोई बोल रहा है फिर रेसिपी थोड़ा रिपीट कर सकते? एकदम, व्हाई नॉट। ये चाट रेसिपी है, बेसिक चाट रेसिपी। आप चाहे तो मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, चीनी कम, नहीं तो आप एक चीज कर सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा फेसबुक पेज है सबिता चीनी कम, कोई है तो मेरे स्टूडेंट लोग चुका है। हाँ, तो उसका भी ये कर, हाँ पूजा। तो पहले क्या की हूँ मैं, मैदा ली हूँ एक कप, ठीक है, जो कि 200 ग्राम है। फिर उसमें क्या की हूँ मैं, ली हूँ बटर ली हूँ 4 to 5 स्पून, और आपका 5 to 6 स्पून आपका चीनी ली हूँ, जो पीसी हुई चीनी। ओके, ये देखिए, ये लगभग मेल्ट कर रहा है। फिर से क्वेरी पूछ रहा है। हाँ, तो उसको एक डो बनाई हूँ, ये देखिए डो बना के इस तरह टार्ट में इसको मैं डाली। कितना दिन क्रीम फ्रिज में रखना है? क्रीम तो आराम से रहेगा आपका लगभग 15 डेज आराम से रहेगा। इवन ये टार्ट भी आपका 15 to 20 डेज रहेगा। और ये जो मैं अभी चॉकलेट सॉस बना रही हूँ, ये जो चॉकलेट फिलिंग से, ये भी आप रख सकते हैं फ्रिज में, और जब जरूरत है थोड़ा सा गर्म करके भी आप देख सकते हैं। फ्रॉम श्रेया, हेलो हेलो, फ्रॉम श्रेया, हाय श्रेया। मेरे यहाँ मैं बच्चे लोग को ट्रेनिंग देती हूँ, जो पूजा है मेरी 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 स्टूडेंट है। अब मेरा 7 तारीख से मेरे पेज में एक बहुत अच्छा शो आ रहा है फ्रेंड, और आप उसको जरूर अटेंड कीजिए। अब देखिए, इफ यू डोंट हैव दिस चॉकलेट ऑल्सो अमूल का, तो आप इसमें नॉर्मल जो चॉकलेट मॉड आता है उसमें भी दे सकते हैं, वो भी ग्रेट करके चोको चिप्स को भी दे सकते हैं। ये अभी ठंडा होने के लिए, इट विल टेक टाइम, तो मे बी इसको। थैंक यू थैंक यू थैंक यू महुआ गुप्ता जी, हाय मैम, हाउ आर यू, हाय वैशाली जी, मैं सबको, हाय जावेद जी, सबका नाम लूंगी, बबीता जी, वैशाली जी, और कोई है ने, जावेद एम जी, मीना जी, सबका नाम, चौनी जी, हाय, वेयर आर यू फ्रॉम चौनी जी, अंजू जी, हेलो, भारत जी, हेलो, और कोई है, प्रतिमा जी, सबको मैं अटेंड करूंगी। ये देखिए, इट विल टेक टाइम, ये थोड़ा सा ठंडा होने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। ये जैसे ठंडा हो जाएगा हम इसमें फिलिंग्स करेंगे। ओके, ये देखिए, आई एम कीपिंग इट हियर। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब देखिए, मैं ये बना के रखी हूँ टंचना। अभी बच्चे लोग है ना, इसे जैसे ठंडा हो जाता है ये ऐसे ही हो जाता है। आप चाहे तो जो आता है ना, आप चाहे तो इसमें क्या करेंगे, आप जो आइसिंग के लिए जो पाइप आता है, पाइपिंग बैग, उसमें भी डाल के आप कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप, मैं सिंपल, देखिए सब तरीका का मैं बता रही हूँ। रेनी, हाय मैम, हेलो, हाय रेनी जुई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसमें चॉकलेट भरूंगी। कोई बोल रहा है क्या? अरे देख लीजिए, आप ही देख लीजिए, ये पूजा पूजा कुछ कह रही है। हाय पूजा, पूजा तो मेरी स्टूडेंट है, यू आर सो ब्यूटीफुल यार, तुम बहुत अच्छी हो। पूजा कुछ कह रही है। एक मिनट, मैं यहाँ कुछ कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैं भर दी हूँ। अब मैं क्या करूंगी ना, जानते हैं फ्रेंड्स, यू, हाय, आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर, यू आर फ्रॉम भुवनेश्वर, हाय, आई एम फ्रॉम कटक, हाय नवत्र जी, हेलो महुआ मैम, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। ये देखिए, ये मैं रख दी हूँ यहाँ।
अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं एक बात बोलूं, यहाँ परसों एक मेरी एक भाभी है, उनका था एनिवर्सरी, ओके। मैं क्या की, अमूल क्रीम को लेकर एक बनाई थी व्हिप क्रीम, ठीक है, थोड़ा सा पुदीना का कलर दी थी, नॉर्मल कलर, ओके, जो पुदीना का पीस के और हल्का कलर भी उसमें आ रहा था, उसको मैं अभी बना के दिखाऊंगी। पता नहीं ये हो गया 3-4 दिन। चॉकलेट सिरप ले सकते हैं? यस, चॉकलेट सिरप ले सकते हैं आप इसमें आराम से। ये देखिए, ये मेरा व्हिप क्रीम है, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, व्हिप क्रीम में थोड़ा सा मैं पुदीना का कलर दी हूँ फ्रेंड्स। आई एम फॉर बैंगलोर। हाय, देखिए तो थोड़ा सा इसको ये करेंगे। अच्छा बन रहा है। ओके, इज इट फाइन? थोड़ा सा स्प्रिंकल देंगे, ये चॉकलेट फिलिंग्स मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा सिल्वर बॉल, ओके, देखिए ये थोड़ा सा ये स्प्रिंकल। मनुष्य ने श्रेया दीदी कुछ कह दी, ठीक है, हम अभी कर लेते हैं, हम सब कर लेंगे, ओके, ठीक है, ये है सिल्वर बॉल, और ये थोड़ा सा आपका ब्राउन शुगर, ओके, ये हो गया, थैंक यू। ये देखिए, ये देखिए, कैन यू सी, थैंक यू वेरी मच। और ये मैं एक बना के रखी भी हूँ, ये देखिए, देखिए ये देखिए, इसमें चाहे तो स्प्रिंकल दे सकते हैं, ब्राउन शुगर दे सकते हैं, और नारियल का बुरादा जो आता है वो भी दे सकते हैं। हाय पूजा, हाय रेखा जी, हाउ आर यू, और कोई है नहीं, लाडी जी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, ये हो गया फिलिंग्स चॉकलेट का। अभी मैं आपको क्या कह रही हूँ, मखाना का एक कसान भी, थोड़ा होल्ड दिस फोन, मखाना का भी एक फिलिंग दिखाऊंगी, थोड़ा सा ये हेल्दी हेल्दी है, ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट ऑफ कलर, थैंक यू वेरी मच, कॉन्ट्रास्ट ऑफ कलर, ओके, हम करती हूँ। अभी मैं आपको मखाना का एक लेके दिखाऊंगी, ओके फ्रेंड्स, अभी मैं दिखा रही हूँ, एक मिनट। Looking very beautiful and yummy. Thank you. मखाना का मैं बता रही हूँ अभी। Looking so beautiful. Thank you. हाँ, यहाँ दिखाओ। अभी देखिए, फिर से मैं बटर ले रही हूँ, थोड़ा सा वो ज्यादा ये नहीं, ये फिर से मैं बटर ले रही हूँ। Parcel me some. Thank you. Why not? Okay. ये देखिए, एकदम पार्सल करने के लिए मैं तैयार हूँ फ्रेंड्स, कोई भी टाइम आप आ जाइए एकदम, ओके। देखिए थोड़ा सा बटर, बबीता राव पार्सल मी ऑल्सो, एकदम बबीता जी यू आर मोस्ट वेलकम, ओके। और थोड़ा सा ये जैसे पिघल जाए, ये देखिए, ये मैं थोड़ा सा ही बना के दिखाऊंगी, ये मखाना का आप उसी के हिसाब से कम बेसी कर सकते हैं। ये जैसे लगभग मैं एक ही स्पून ली हूँ, ठीक है, ये जैसे पिघल जाए, गार्लिक क्रश गार्लिक हाफ स्पून, ओके, सो ब्यूटीफुल एंड यम्मी, थैंक यू, थोड़ा सा सौंफ, ओके, सौंफ मतलब, सौंफ मतलब ये फाइनल स्टेज, सौंफ, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर से अमूल क्रीम थोड़ा सा डालेंगे, ओके, मम्मी 5 मिनट्स ले, कोई बात नहीं, हो जाएगा, okay. ये हो गया। और अभी थोड़ा सा मखाना, मैं एक ही दिखाऊंगी, ठीक है, पहले मैं बटर, फिर आपका मैं ली हूँ अशोक, फिर गार्लिक, फिर थोड़ा सा क्रीम,
और ये मखाना, ये मेरा फेवरेट फिलिंग से फ्रेंड्स, जो ये फिल हम करते हैं स्टफ। व्हाट आर यू मेकिंग दिस? ये जो टार्ट है उसका मैं फिलिंग पार्ट बना रही हूँ, ठीक है, फिल करना है मुझे, ठीक है। फिर ये जैसे हो गया, एंड डिलीशियस रेसिपी, ये थोड़ा सा हर्ब चिली फ्लेक्स वगैरह ये हो गया, ठीक है। और थोड़ा सा मैं इसमें और थोड़ा सा क्रीम लगेगा, मैं दे रही हूँ, ये नया वाला निकाल रही हूँ, देखिए अमूल का ही क्रीम मैं दे रही हूँ। This is not sweet. Yes, not sweet. मैं sweet एक चॉकलेट वाला बताई sweet और ये क्रीमी मखाना, ये थोड़ा आपका स्पाइसी रहेगा और थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ठीक है। और हल्का सा दूध, चिल्ड मिल्क हल्का सा, बस ये थोड़ा सा जब हम लोग इसको प्लेटिंग करेंगे ये तब तक ये आपका हो जाएगा। और थोड़ा सा गैस देना है, गैस और थोड़ा सा देना है, देखिए ये हो गया आपका। और थोड़ा सा आप चाहे तो इसमें ना आप ब्लैक पेपर पाउडर वो भी डाल सकते हैं, देखिए ये, देखिए ये इसका टेक्सचर। और जब आप इसको ये करेंगे तब ये हो जाएगा। और चॉकलेट बता दे, रिपीट करिए तो। चॉकलेट? हाँ, कौन पूछ रहे? हाँ ठीक है, हम चॉकलेट वाला रिपीट कर देते हैं। चॉकलेट में कुछ नहीं है, जो अमूल का आता है डार्क कंपाउंड डार्क चॉकलेट, उसको मैं ली हूँ ग्रेट करके, और थोड़ा सा क्रीम, ठीक है। दोनों को पिघला दीजिए, ठीक है, और उसको रख दीजिए। जैसे ये देखिए मेरा भी ये इंसान में यहाँ दिखा हुआ है, देखिए कितना अच्छे से हो रहा है, देख रहे एक क्रीमी स्ट्रक्चर। ये और भी ठंडा होगा, इट टेक्स अराउंड 15 मिनट्स टू को। और इसको फ्रीज में रख के ठंडा मत कीजिएगा फ्रेंड, नहीं तो ये फिर आपका हार्ड हो जाता है, ठीक है। और ये जैसे हो जाएगा फिर और इसमें थोड़ा सा क्रीम भी मिला दीजिएगा, मैं वैसे ही की हूँ नॉर्मल जो अमूल क्रीम, और एक बार थोड़ा सा मिला लीजिए, ये और भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। फिर आप इसमें इस तरह और एक मिनट में इस तरह क्रीमी, हाँ ये देखिए क्रीमी अभी ठंडा होगा थोड़ा, बहुत गर्म है। आओ संदी इधर, ये देखिए। और मैं बार बार बता रही हूँ फ्रेंड्स, हाँ बार बार बता रही हूँ, ये जो नॉर्मल ये देखिए डो इस तरह बनता है, ये मेरा मैदा का डो है, क्योंकि आज मैं ये बेटी को डेडिकेट करना चाहती हूँ। ये मेरा मैदा का डो है, आप चाहे तो सूजी में बना सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो खाली आटा में बना सकते हैं, मल्टीग्रेन में बना सकते हैं, और मात्रा लगभग आपका सेम रहेगा। ओके, योर वॉइस इज सो क्यूट, थैंक यू सोनिका जी। हेलो आकांक्षा बर्नवाल, थैंक यू। आई एम मेकिंग टार्ट। और अवनी धक्कर, हेलो। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को देख के, इतना अच्छा क्या बोलेंगे। अभी हम लोग ये मखाना का फिलिंग डालेंगे। अभी सानवी प्लीज होल्ड द फोन, मखाना का फिलिंग में डाल के ला रही हूँ, एक मिनट। आज मेरा सुबह से ओवन थोड़ा कैसे हो गया, आज मैं सोची कि मेरा गया, मैं तो ये मखाना में सब शुगर कर्मेलाइज, जो ब्राउन शुगर कर्मेलाइज है उसको भी मैं बना के दे देती हूँ। टार्ट रिपीट, मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगी फ्रेंड्स। ये देखिए इसको संडी दिखाओ, और यहाँ ये क्रीमी मखाना, यस ये क्रीमी मखाना का टार्ट है। क्रीमी मखाना बहुत अच्छा लगता है खाने में, ये देखिए थोड़ा सा आप इसमें ये भी डाल सकते हैं, चोको चिप्स। ग्रेट जॉब मैम, थैंक यू। देखिए ये चोको चिप्स, ओके। सीमा साहू, लुकिंग सुपर यम्मी, थैंक यू सीमा जी। और ये थोड़ा सा ब्राउन शुगर, ओके। ये देखिए थोड़ा सा ये कर लेते हैं, और थोड़ा सा ये,
ये देखिए, इधर इतना पास में मत दिखा, ये देखिए। एक्चुअली और क्या बनाते हैं मैं जानते हैं आप लोग को, मैं बता देती हूँ। ये कुछ कुछ मैं आज सूजी का भी मैं बना के रखी हूँ फ्रेंड्स, और इसके अंदर में ना आप लेमन जेस्ट भी दे सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा पानी लीजिए, थोड़ा सा शुगर लीजिए, दोनों को मिला लीजिए, ठीक है। फिर उसमें क्या कीजिए, जो नॉर्मल जो येल्लो टाइप का जो नींबू आता है, जो थोड़ा सा अच्छे से पक जाता है, उसको क्या कीजिए, ग्रेट कर दीजिए, आपका लेमन जेस्ट उसमें हो जाएगा। और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ले लीजिए और उसको मिलाते जाइए, गाढ़ा आपका ये हो जाएगा, ओके। उसका भी आप फिलिंग इसमें दे सकते हैं, ये आपका लेमन टार्ट हो गया। ये उसको भी मैं बनाती हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं है मुझे बनाने के लिए, बिकॉज इज ऑलरेडी 3:30। ये देखिए, ये मेरा चॉकलेट टार्ट हुआ, ये मेरा, ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सीमा जी, सोनिका जी, नमकीन स्वीट, यस यू कैन से मिक्स अप नमकीन स्वीट। हाय सोनी जी, ऑडियंस हमें, अंजना सेठ जी हेलो, सोनिका मैम हेलो, अवनी जी बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। क्रीमी का भी थोड़ा दिखा, ये देखिए क्रीमी का हम दिखा रहे हैं, क्रीमी मखाना, इसमें मखाना है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, देखिए घर का चीज कितना अच्छा होता है, देखिए। और लेमन जेस्ट से भी बनाइएगा, बहुत अच्छा लग रहा है। मधु पुरोहित, प्लीज रिपीटेडली रेसिपी ऑफ योर बेस, यस बेस का जो आप मतलब बोल रहे हैं कि टार्ट का, ये टार्ट का मैं मैदा, ये नॉर्मल में ही मैं ली हूँ मैम, ये जो मैदा 1 कप, और शुगर जो है आपका 4 to 5 स्पून, और बटर भी 4 to 5 स्पून लेके, इस तरह मैं एक डो बनाई हूँ, ओके। और ये डो बना के मैं फ्रिज में इसको आधा घंटा क्लीन शीट जो आता है उसमें लेके मैं रखी हूँ। फिर उसको क्या की हूँ, बेल के, ये जो टार्ट आता है ना, टार्ट का मोल्ड, ये टार्ट का मोल्ड में मैं ऐसे रख दी हूँ। थोड़ा सा आप ग्रीस कर दीजिए बटर में, फिर टार्ट का मोल्ड में मैं रख दी हूँ। फिर ओवन में मैं की हूँ 180 डिग्री में प्रीहीट की हूँ, 15 to 20 मिनट्स लगता है, ठीक है। आप मैदा के जगह आटा लीजिए, कुछ भी लीजिए। एनी और डाउट है, एनी क्वेरी? मोहन बसा जी, इट सीम्स टू बी टेस्टी, थैंक यू वेरी मच। मधु जी आपका भी क्लियर हुआ, नहीं तो मैं आपका ये जो कमेंट है ना उसमें रिप्लाई में मैं आपको पूरा रेसिपी मैं आपको बना के दे दूँ। यू कैन यूज आल्सो ऑरेंज जूस एंड जीट, यस यस व्हाई नॉट। आप ऑरेंज जूस अगर ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिला लीजिए और उसको चलाते जाइए, थोड़ा उसका थिकनेस अच्छे से हो जाएगा, फिर उसको भी आप ऐसे बीच में दे सकते हैं। मैं बोली ये है बेस, आप बेस को भी चेंज कर सकते हैं, फिलिंग्स को भी आप फिल जो उसमें जो भी फिलिंग पार्ट देते हैं उसको भी चेंज कर सकते हैं। इवन मैं जानते हैं मैं कभी कभी क्या करती हूँ, जो फ्राइड ऑनियन आता है उसमें और वेजिटेबल्स भी दे देती हूँ। वह क्या है ना, अपने ऊपर है, आप चाहे जिसको जितना भी हेल्दी बनाइए, आप अपने एक बार बनाइए आपका ये दूसरा आप चीज भी ग्रेट करके दे सकते हैं। कोई बहुत सारा आ जाए। रिंकू सिंगा जी, थैंक्स फॉर योर रेसिपी एंड गॉड ब्लेस यू योर डॉटर। अरे थैंक यू वेरी मच रिंकू मैम। प्रिंस फरान, 10 out of 10 फॉर दिस डेलिशियस डिश, ओ माय गॉड इट मेड माय डे, थैंक यू वेरी मच। आप लोग का सब डाउट है, सन्नी फोन पकड़ो, कुछ डाउट है नहीं तो एक्चुअली इट्स गोइंग टू 3:35। मेरी बेटी अभी खाना उसका शुरू हो गया, सन्नी थोड़ा उनको फोटो खींचना है। और आपका सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आप आए मेरा रेसिपी देखे। थोड़ा सा मैं बोलूंगी कि मेरा पेज का जो नाम है सबिता चीनी कम, आप मेरा जो कंटेंट है ना, ये वीडियो का कंटेंट मैं ऑलरेडी हैशटैग करके मैं लिखी हूँ, सबिता चीनी कम मेरा पेज है, और उसमें मैं वैलेंटाइन डे का एक कुछ करने जा रही हूँ। अभी मैं नहीं बोलूंगी क्या करने जा रही हूँ, तो मैं कल परसों में बोल दूंगी खुद लाइव आके, आप वहां जाएंगे लाइव देखिएगा। यूट्यूब मेरा अकाउंट है चीनी कम, CHEENIKUM चीनी कम, और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है चीनी कम 5, number 5, ओके। एक मिनट, कोई कुछ पूछ रहा है, एक्चुअली आई एम सेइंग दैट यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ फ्रूट्स, यस व्हाई नॉट। मैं बोली आपका मन चाहे, मैं क्या करती हूँ कभी दही और जो फ्रूट्स है ना उसको भी मतलब मिला के इसमें दे देती हूँ। कभी कभी मैं क्या करती हूँ, दही
और आपका जो मैंगो पल्प, जब अभी मैंगो सीजन आ जाएगा कुछ दिन के बाद, मैंगो पल्प मिला के उसका भी आइसिंग करके उसके अंदर में दे सकती हूँ। ये टार्ट मेरी बेटी को बहुत पसंद है। मैं डिफरेंट फीलिंग अपना अपना मन से भी बहुत सारा चीज इसमें करके देती हूँ। अभी हाल फिलहाल में मैं सत्तू का टार्ट बनाई थी, तो अब चाहे आप अपने मन के हिसाब से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं विदा लूंगी, लेकिन विदा लेने से पहले मैं अमूल को और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, सारे फ्रेंड्स सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज चिनिकम, प्लीज फॉलो मी इन इंस्टाग्राम दैट इज चिनिकम 5 एंड माय पेज फेसबुक पेज इज सविता चिनिकम। बहुत सारा इंटरेस्टिंग अभी आने वाला है, बहुत सारा कंटेस्ट भी मेरा आने वाला है। अब मैं क्या करूंगी, आपसे विदा लूंगी। मैं एक फूड फेस्टिवल भी मैं लाने जा रही हूँ 80 से 100 होमस्टेप को लेकर। सो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। सनबी फोन ठीक से दिखाओ। और मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे पेज पे आइए, अमूल पेज में भी आप बने रहिए। अमूल का रेसिपी लेकर मैं बहुत सारा, ये मेरा आई थिंक 10th नंबर ऑफ ये था लाइव लाइव, और बहुत अच्छा लगता है अमूल हम लोग को ये सब चांसेस दे रहा है। नो क्वेरी आई थिंक, एनी क्वेरी आई विल रिप्लाई यू वेरी सून इन माय कमेंट। ओके अंटिल देन गुड एफर्ट एंड कंफिडेंस, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, एंड स्पेशल थैंक्स टू माय डॉटर सानवी एंड अमूल, वेलकम, सैल्यूट, वेलकम, बाय। बाय बाय। देख लीजिए अमूल का